हल्द्वानी में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 28 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआं पुलिस की चौकी के दौरान दो युवक पकड़े गए हैं, जिनके पास से बड़ी मात्रा में स्मैक की खेप बरामद की गई। साथ ही एसएसपी ने कहा कि फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में स्मैक बनाने वाले एक पेडलर का भी नाम सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं हल्दू चौड़ बैरियर के पास एसओजी और आपका लालकुआं पुलिस द्वारा एक कम्बाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी, उसको रोका गया। उसमें दो युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है और ये दोनों शेरगढ़ के रहने वाले।